गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस समझेंगे। इसमें यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी एक से अधिक जो सेपरेशन मेथड होते हैं वो कौन से होते हैं इसे देखेंगे। क्वाइट ऑफन सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर रिक्वायर मोर देन वन मेथड्स ऑफ सेपरेशन। यहाँ पर आपको सेपरेशन के एक से अधिक मेथड समझाए जाएंगे। इसमें आता है, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, क्या वाटर किसी सब्सटेंस को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है चाहे वो किसी अमाउंट में हो, तो इसे देखेंगे। द सब्सटेंस डेट डिजॉल्व द अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को अपने अंदर डिजॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूट, और जो सब्सटेंस वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। द मिक्सचर ऑफ फॉर्म्ड बाई डिजॉल्विंग ए सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन, जब मिक्सचर डिजॉल्व हो जाता है सॉल्यूट के अंदर तो वो सॉल्वेंट के साथ मिलकर एक सॉल्यूशन बनाता है। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉलिड कैन बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर पर जब कोई चीज़ सॉल्यूशन में घुलना बंद कर देती है तो हम उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी वो संतृप्त हो जाता है और किसी चीज़ को अपने अंदर घोलना बंद कर देता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन मोर सॉलिड कैन बी डिजॉल्व इन द गिवन सॉल्यूशन, और इसमें जब एक ऐसी अमाउंट होती है जब हम उसमें कोई चीज़ घोलते हैं तो वो घुलती रहती है, इट इज़ सेड टू बी अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, तो हम इसे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी असंतृप्त सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर सॉल्युबिलिटी आती है, द मैक्सिमम मास ऑफ ए सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट का मैक्सिमम मास जो 100 ग्राम सॉल्वेंट के साथ प्रेजेंट होता है एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर, उसमें जो टेम्परेचर होता है वो स्पेसिफाइड होता है, इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी, उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। की टर्म्स में देखेंगे, डिकेंटेशन सेपरेशन ऑफ क्लियर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल सॉलिड पार्टिकल्स, ऐसा क्लियर लिक्विड जो बिना डिस्टर्बेंस के सॉलिड पार्टिकल्स के साथ सेटल होने में कुछ हल्का होता है और ऊपर तैरने लगता है तो हम उसे डिकेंटेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन में देखेंगे, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम द लिक्विड विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर की सहायता से किसी चीज़ को अलग करना जो कहलाता है उसे हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर पे ध्यान देंगे, ए मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस कैन बी सीन ईजीली, ऐसे पार्टिकल्स जो आसानी से देखे जा सकते हैं उसे हम हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, होमोजीनस मिक्सचर ए मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट बी सीन, ऐसे पार्टिकल्स जो आपस में मिक्सचर के अंदर जब दिखाई नहीं देते हैं एक दूसरे के अंदर घुल जाते हैं तो हम उसे होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोई नई चीज़ नहीं घुलती है उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं और वो घुलना एक स्टेज पर आकर बंद कर देता है। सेडिमेंटेशन द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ ए सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम लिक्विड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इफेक्ट से जब वेट ज़्यादा होता है तो वो लिक्विड के अंदर नीचे बैठ जाती है वो चीज़, तो उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं क्योंकि वो भारी होती है। फिर सॉल्युबिलिटी देखेंगे, द मैक्सिमम मास ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जब कोई चीज़ घुलने की कैपेसिटी रखती है तो उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, यानी उसे वो कोई भी चीज़ अपने अंदर घोल लेती है। थ्रेसिंग पीटिंग और ड्राई स्टॉक्स टू सेक ऑफ द ड्राइड ग्रीन्स, जो स्टॉक से ग्रीन्स को अलग करने की प्रोसेस होती है उसे हम थ्रेसिंग बोलते हैं। विनोइंग
सेपरेशन ऑफ लाइटर एंड हैवियर पार्टिकल्स फ्रॉम द मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर, जब हवा की सहायता से हम किसी चीज़ को अलग करते हैं, हल्की चीज़ को अलग करते हैं, तो हम उस प्रोसेस को विनोइंग बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।